हाय एवरीवन, वेलकम इन लर्न विद यान। सो बेसिकली आज हम देखने जा रहे हैं कि आईपीयू सीईटी के फॉर्म कैसे फिल करें। और बेसिकली मैं पूरा प्रोसीजर तो करके नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आइडिया दे दूंगा कि किस लिंक से आपको करना है फिल फॉर्म। और बेसिकली आपको नॉर्मल नॉर्मल सा प्रोसीजर है, जैसे जेईई मेन फिल करा था वैसे ही आईपीयू है। बेसिकली आईपीयू के बारे में बता दूँ मैं, इसमें बहुत सारी अच्छी कॉलेजें हैं जो कि बीटेक के लिए भी हैं और अदर ब्रांचेज जो रेस्पेक्टिव ब्रांचेज हैं उनके लिए भी, अलग अलग ब्रांच के लिए हैं। जैसे बीटेक के लिए मैंने पहले बताया था कि टॉप के जो चार कॉलेज हैं, महाराजा अग्रसेन, भारती विद्यापीठ एंड सूरजमल, एंड जो टॉप का यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जो कि मेन 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 कैंपस है, वो काफ़ी अच्छे हैं। और इसकी जो बेसिकली अगर पहले क्या होता था, आईपीयू सीईटी अपने की एग्ज़ाम अलग से करवाती थी कंडक्ट, जिसका नाम देती थी आईपीयू सीईटी, बेसिकली आईपी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ओके, एंड थिंग कि इस बार इन्होंने ऐसा करा है कि जेई मेन के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं बेसिकली। तो जेई मेन के थ्रू अभी इनका जो भी प्रोसीजर होगा बीटेक के लिए सिलेक्शन प्रोसीजर, वो जेई मेन पेपर वन के बेसिस पे होगा, यानी जो भी आपके जनवरी और अप्रैल में टेस्ट होंगे उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको कॉलेज में एंटर होने से पहले आपको कुछ काम करने हैं, जिसके लिए फॉर्म जो कॉलेज को बताना पड़ता है कि फॉर्म भरने के लिए, तो बेसिकली आपको फॉर्म फिलअप जरूर करना है, जो कि पिछली बार भी करते थे इस बार भी करते हैं। बस इस बार चेंज यही हुआ कि आपको एग्जाम देने नहीं जाना है और फीस वगैरह सेम है। पिछली बार भी 1000 रुपीज़ थी फॉर्म की, इस बार भी 1000 रुपये है, ठीक है। तो और अदर ब्रांच के भी हैं, उनके फॉर्म भी आ गए, निकल गए हैं, बहुत आई थिंक मार्च में निकल गए थे, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया मैं। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज आपको यहाँ पे जाना है और लिखना है यहाँ पे IPU, ठीक है, IPU.ac.in, मेरे पे तो आ रहा है, आप लिख सकते हो IPU.ac.in। बेसिकली इनका एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे आना है, यहाँ पे अगर मोबाइल मोबाइल में खोल रहे हो तो कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि बहुत बच्चे मोबाइल से फॉर्म फिल करते हैं, आपको कुछ ऐसा आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे नीचे जाना है एडमिशन 2019, ठीक है। एडमिशन 2019 में जाके यहाँ पे एडमिशन 2019 का लिंक बना हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करना, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, जैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे आप वहाँ पे ऑनलाइन क्लिक करोगे तो बेसिकली आपको ऐसा पेज खुल के आ जाएगा यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। तो जो भी ऑनलाइन पे यहाँ पे चीज़ें हैं वो आप PDF पढ़ सकते हो उनके बारे में, नोटिस वगैरह। लेकिन आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे लिखा हुआ है कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से भरनी है, जो कि बार बार नहीं कर सकते, ठीक है। तो वंस अ कैंडिडेट सबमिट डिटेल्स के दे कैन नॉट बी एडेड द सेम एंड हैव टू रजिस्टर इन केस दे नीड टू चेंज पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेसिकली, एंड हैव टू रजिस्टर सेम एंड दे हैव टू री रजिस्टर बेसिकली, तुम्हें दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा अगर तुमने कोई डिटेल्स करेक्ट नहीं डाली है, तो अगर फीस पेमेंट कर दिया है उसके बाद भी। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि किस ब्रांच के बेसिस में आप जा रहे हैं फॉर्म भरने। बहुत जो बीटेक के लिए बता दूँ कैसे करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करना है बीटेक सीईटी कोड 3131, और यहाँ पे आपको नाम देना है, जो भी नाम हो सकते हैं बेसिकली। नेम मैं यहाँ पे देता हूँ ज्ञान, ठीक है, एंड सरनेम इज कुमार। ऐसे ही आपको सारी चीज़ें डिटेल्स फिल करनी है यहाँ पे, जो सारी चीज़ें बेसिकली डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम और इंडियन जो भी है नेशनलिटी, ये सारी चीज़ें फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पे फिल कर लोगे सारी चीज़, तो आपको यहाँ भी एक चीज़ के लिए रेफ़र कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है, आपको तीन चीज़ अपलोड करनी है बेसिकली, लेफ्ट हैंड थम इम्प्रेशन, सिग्नेचर और फोटोग्राफ, और इसकी सारी चीज़ दी गई है, ठीक है। आपको शॉर्ट एंड के लिए अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि किसी को नहीं है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो रिसाइज द इमेज, तो वहाँ पे रिसाइज द इमेज के लिए बहुत साइज और रिसाइज इमेज फ्री कन्वर्टर जो भी है यहाँ पे आराम से तो कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नेट पे सर्च करके यहाँ पे जो भी चूज फाइल करके और आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसके लिए कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं शुरुआत में दिक्कत, तो उसके लिए मैंने बता दिया कि आप वेबसाइट पर जाके एडिट कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फेस चीज़ को। तो आपको ये तीनों चीज़ फिल करनी है, ठीक है। जब ये चीज़ तीनों फिल कर लोगे तो उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स, जैसे यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन हो गई, जैसे आप यहाँ पे सारी चीज़ अपलोड कर लेने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे एक नया डिटेल्स आएगा क्वालिफिकेशन डिटेल्स का। और क्वालिफिकेशन डिटेल्स करने के बाद, क्योंकि मैंने वहाँ पे फिल फॉर्म कर नहीं रहा था इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे आके एक वेबसाइट पे आके मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि यहाँ पे आप जैसे क्वालिफिकेशन डिटेल्स आप डाल दोगे वहाँ पे, जैसे जनरल इन्फॉर्मेशन सारी डाल दोगे बेसिकली, हम अपलोड अपलोड करके सारी चीज़ें, तो उसके बाद आपको यहाँ पे आएगा एक क्वालिफिकेशन डिटेल्स के लिए। और क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको 10th और 12th के मार्क्स भरने हैं, आपको अच्छे से फिल करने हैं इसमें सारे मार्क्स, और सारे मार्क्स करेक्ट होने चाहिए, क्योंकि फिर आप क्यों चाहोगे कि आप बाद में आप परेशान हो और आपको बेसिकली एडिट करने जाना हो, ठीक है। ये नाटा स्कोर और गेट स्कोर कोई ज़रूरत नहीं है भरने का, अगर आपने नहीं दिया है तो, ठीक है। सिंपल से बात, अगर आप बीटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका गेट स्कोर होगा, नाटा स्कोर हो तो आप डाल सकते हैं, वैसे आपके मोस्ट वैल्यू बहुत के पास नहीं होगा।
नेक्स्ट थिंग डिक्लेरेशन, यहाँ पे डिक्लेरेशन में क्लिक करना है और आई एग्री, और यहाँ पे आपको कैप्चा डाल के सबमिट कर देना। जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे, उसके बाद आपकी एक बेसिकली आपका एक फॉर्म बन के आ जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स आपकी फिल होंगी, ठीक है। ये आपका लॉगिन आईडी होंगी और ये आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाना होगा। उसके बाद जैसे आपको दो दो यहाँ पे टैब दिख रहे होंगे, एक एप्लीकेशन प्रोफाइल और यहाँ पे कोर्स एप्लीकेशन। कोर्स एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। कोर्स एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है अप्लाई फॉर कोर्सेज। अप्लाई फॉर कोर्सेज अपलोड करोगे तो ऐसा कुछ टैब खुल के आएगा और इसमें सारी डिटेल्स फिल करनी है और 1,000 रुपये आपको सीधे सीधे पे कर देने हैं। आप नेट बैंकिंग, ऑनलाइन, जिस तरह से आप चाहो पे कर सकते हो, ठीक है। सो ये प्रोसीजर है, आप ये प्रोसीजर आपको फॉलो करने हैं अगर आईपीओ आपको एडमिशन लेने हैं तो, और आप जरूर करें। आईपीओ के कुछ कॉलेज बहुत अच्छे हैं, अगर दिल्ली से हो यार तो करो, दिल्ली से हो तो, क्योंकि 85% रिजर्वेशन का पॉलिसी है तो जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो यही था आज का, बेसिकली ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स लाइक करो और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।